ਸੱਚੀ ਲੈ ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਲੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਲੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਰੂਹ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਲੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ लाड़िए नी खिजी लते आरियां आ तेरा लड़ाउन वाला ए घोड़े उत्ते होके ओ सवारी आवेगा नालियां बरातियां नू लेके आवेगा सब गल्ला माड़ियां आ तेरा लड़ाउन वाला ए लाड़िए नी खिच्च लै ते आरियां रूह नाल खिच्च लै ते आरियां आ तेरा लड़ाउन वाला ए हो जा तू तिया जेड़ा तेन पौन वाला होया अधिकार पाले चिट्टे मली मली हो जा तू तिया जेड़ा तेन पौन वाला होया अधिकार ला दे पुशाक बाकी सारिया तेरा लड़ाउन वाला ए लाड़िए नी खिच्च लै ते आरियां आ तेरा लड़ाउन वाला ए वाले खोल गुहे बारियां तेरा लड़ाउन वाला ए लाड़िए नी खिच्च लै ते आरियां तेरा लड़ाउन वाला ए सब तड़िया के अपने मन खोल दो रूह नाल खिच्च लै ते आरियां तेरा लड़ाउन वाला ए सब गल्ला माड़िया तेरा लड़ाउन वाला ए लाड़िए नी खिच्च लै ते आरियां लाड़िए नी खिच्च लै ते आरियां तेरा लड़ाउन वाला ए रूह न
ना लिखी चिलते अधिया तेरा लड़ाने वाला है पाले चिते मल मल हो जा तू तैयार जेड़ा तेनु पौन वाला होया मल मल हो जा तू तैयार जेड़ा तेनु पौन वाला होया अधिकार ला दे पुशाकां बाकी सारियां तेरा लड़ाउण वाला है सारिया कसम जान लाड़िए नी खिच लैते आधियां तेरा लड़ाउण वाला है रूह नाल खिच लैते आधियां तेरा लड़ाउण वाला है लाड़िए नी खिच लैते आधियां लड़ाउण वाला है लड़िए नी खिच लैते अधियां तेरा लड़ाउण वाला है लड़िए नी खिच लैते अधियां तेरा लड़ाउण वाला है वाले कोल बूहे बारियां तेरा लड़ाउण वाला है लाड़िए नी खिच लैते आधियां तेरा लड़ाउण वाला है सब किसे मेरे के हाले बिंदा अपने मन खोल के रू नाल खिच लैते आधियां तेरा लड़ाउण वाला है लड़िए नी खिच लैते आधियां तेरा लड़ाउण वाला है तारिया के सब पीछे अपने मन खोले हुए हाँ रूह नाल खिच लैते आधियां तेरा लड़ाउण वाला है लाड़िए नी खिच लैते आधियां तेरा लड़ाउण वाला है तू नाल खिच लैते आधियां तेरा लड़ाउण वाला है ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੁਫਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਦਿਲ ਦਾ ਮੋੜੀ
मुसाली बनाया जिन्हें पारियां चुरा मेरे लिए पहाड़ा नू हटोना।
जाती है, कमजोरियां मुंह छुपाती है, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुंह छुपाती है, बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुंह छुपाती है, जिंदा लहू जिंदा लहू जिंदा लहू जिंदा लहू धन्यवाद धन्यवाद खुदावन यहोवा इलोहिम परमेश्वर जमीन आसमान दे मालिक खालिक खुदावंदो के खुदा बादशाहों के बादशाह हर एक रोग बीमारी परेशानी प्रॉब्लम्स आज इस समय यीशु मसीह के नाम दे विच इस समय कलीसिया दे विच चली जाए प्रभु जी हाथ उठा के उसी वाइना दुआ दियो वादा विच चर्च ये दुआ दा समय ये प्रार्थना दा समय परमेश्वर तेरे नाल गल करन जा रहा है खुदा तेरे नाल गल करन जा रहा है परमेश्वर तेरे नाल गल करन जा रहा है उची वाइना दुआ दियो वादा विच चर्च लाउडली उची वाइना
उल्टियां के द्वारा बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आए, यीशु के नाम में बाहर आए, यीशु के नाम में बाहर आए, बाहर आए। हर एक प्रकार की जकड़न, हर एक प्रकार के शैतान के अटैक, हर एक प्रकार का दबाव यीशु के स्वर्ती नाम में टूटे। नसी जाता है शैतान जदों यीशु बोलदा, नसी जाता है शैतान जदों यीशु बोलदा। थम जाते ने तूफान जदों यीशु बोलदा, थम जाते ने तूफान जदों बोलदा, बोलदा मेरा यीशु बोलदा। हरेक प्रकार का लुकिया होया शैतान जिहड़ा कई सालों तो तुहाडे बदन दे अंदर आ, तुहाडियां सोचां दे अंदर आ, मैं कमांड करदा यीशु मसीह दे नाम दे विच बाहर आ जा। फायर बोलो शैतान दे उत्ते, फायर बोलो, बोलो बोलो, फायर बोलो, बोलो बोलो जीवाई ना, 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 ना। बोलो फायर बोलो, बोलो बोलो बोलो, शैतान आ रहे बाहर आ रहे, बोलो बोलो बोलो, बोलो 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 बोलो, बोलो 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 बोलो, उची भाई ना भाइयों बोलो, फायर बोलो, अपनी बीमारी दे, अपनी कमाई
जना 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 तेरा है जना तेरा है जना 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 तेरा है जना 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 तेरे यीशु का जना जड़े भाई चाहते भी असं रूना भर जाइए खुदा का जलाल उतर रहा वा मैं कह रहा परमेश्वर का मसा उतर रहा क्योंकि बाइबल च भी लिखे मंगोगे तो दिता जाऊगा अच्छ मंगो खुदा के जलाल लो मंगो परमेश्वर के रू लो तो जे सिर्फ अखा खोल के इधर उधर देखते रहे खाली आए हैं तो खाली चले जाओगे जब जलाल लो मंगोगे तो खुदा तब अपने जलाल ना भरेगा और परमेश्वर अपने मसे ना भर देगा और जड़िया भैनों लगता भी सानू शैतान तंग करता सुपने च आके साडे नील पै जाते हैं सानू दबा पाता जब किसी लगता भी मैंने जादू टूना किया हुआ और जल्दी जल्दी अगे आ जाओ अज तुम छुटकारा पा के जा रहे हो अज तुम छुटकारा पा के जा रहे हो अज छुटकारा शैतान ने फड़िया होया है मेरे मन के अंदर शैतान का वास है मेरी जिंदगी शैतान का वास है हाथ उठा के दुआ करो हाथ उठा के दुआ करो दुआ करो दुआ करो दुआ करो मेरे अंदर शैतान की ताकत काम करती है मैनू अगे नहीं बदन दिंदी भी शैतान मैनू किसी ने जादू टूना किया होया वह भी अगे आ सकता खुदा आजाद करेगा इस गंदी लग तो खुदावंते भी सना हो खुदावंतु ने सिर्फ वो ही पैना के आन जिन्हां नूं शैतान ने फड़िया होया कई सालों तो जिन्हां दे उत्ते जादू टूने हुए हुए आ जिन्हां नूं लगता भी साडे जीवन दे विच जादू किया होया पुराना भी शैतान साडी जिंदगी दे विच भी मैनूं रात नूं दबा पाउंदा मेरे नील पै जांदे आ सिर्फ वो ही अज प्रभु छुटकारा देण जा रहा तुहानूं शहन जलाओ जलाओ जलाओ
छुटकारे नो पा चुके यीशु के समर्थी नाम में, बीमारियां डटियां जा चुकी हैं यीशु के समर्थी नाम में, बदरुहा जा चुके हैं यीशु के समर्थी नाम में, वो सारे जादू टूने खत्म हो चुके हैं यीशु के समर्थी नाम में, बदरुहा तन छाड़ के जा चुके हैं यीशु के समर्थी नाम में, तुसी अज फ्री हो यीशु के समर्थी नाम में, आज तो नवी शुरुआत करूंगा यीशु के समर्थी नाम में, आज तो नवा जीवन जीऊंगा यीशु के समर्थी नाम में, आज तो तेरे जीवन में बहाली आवेगी यीशु के समर्थी नाम में, तुसी आजाद किए गए हो यीशु के समर्थी नाम में, तुसी बढ़ोगे यीशु के समर्थी नाम में, तेरे बच्चे आजाद हो चुके हैं यीशु के समर्थी नाम में, नशे की बुरी आत्मा तन छाड़ के जा चुकी है यीशु के समर्थी नाम में, विचार वाली गंदी दोष आत्मा जा चुकी है, तुसी फ्री हो चुके हो, सारी प्रार्थना ही यीशु मसीह के नाम च पिता परमेश्वर को मंगते हैं। सब जन बैठ जाओ। गवाही इन्हां दे मामे जी दे बेटे दी आ, इह दस रहे कि वह पिछले साल पहली बार दुरजी भवन दे विच आए सीगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान सीगे अपनी जिंदगी तो काफ़ी ज़्यादा, भैन दस रहे कि वह हार चुका सीगा, थक चुका सीगा, क्योंकि घर दे भी उहदा साथ नहीं सी दे रहे, और दस रही भैन कि उन्हें बाहर वास्ते भी अपलाई किया होया सीगा, पांच बारी उन्हें आईलैट्स का पेपर दिता पर पास नहीं होया, जिदे कारण कहते काफ़ी ज़्यादा परेशान रहिंदा सी, भैन दस दी कि मैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे दस दी रही, और खुदारी दस तो प्रार्थना करवाइया, फिर उन्हें अपने फास्ट फूड का काम खोल लिया, भैन दस दी रही कि मैं उनकी दुकान पर जो जाना तो मैं उन्होंने यही कहना कि प्रभु यीशु मसीह ने तेरे रास्ते ने खोल देना वा, कि साडे दास जिहड़े आ तुहाडे लई दुआवां करदे रहिंदे आ। सो भैन दस रही कि इसे साल के जो पिछले महीने कहते दुआ की खुदा दे दासां ने जो प्रार्थनावां कीतियां तां बेटे दे जिहड़े बंद जिहड़े काम रुके हुए सीगे वो प्रभु यीशु मसीह ने रास्ते खोल दिते, और जिहड़े आस्ट्रेलिया ने स्कीम कढ़ी कि जिन्हां दे घट बैंड आ आस्ट्रेलिया का काम भी ला सकदे आ। इह दस रहे कि मेरे ब्रदर दे जिहड़े कि बैंड घट सीगे, सो जो प्रभु यीशु मसीह की कहिंदी मर्जी उहदी जिंदगी 'च पूरी होण लगी तां उह बेटे ने जो पासपोर्ट लगाया तां इस टाइम बेटे नूं एक महीना हो गया आस्ट्रेलिया पहुँच चुका वा। हालेलुया। और भैन दस रही कि मैं बहुत खुश हाँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मैं शर्मिंदा नहीं होने दिता। भैन दस रही कि जो भी मैं अपनी जुबान तो उस भरा वास्ते बोले से शब्द प्रभु यीशु मसीह ने पूरे किए, और खुदा दी दासां दी जिहड़ी प्रार्थनावां कीतियां सी जिंदगी च पूरी हुई। हालेलुया। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम के लिए। परसों इन्हां दी बेटी कहिंदे जदों सुत्ती उठी तां उहदे असीं कन्न बनवाए सीगे, तां सवेरे उठ के उहने कहा कि मम्मा मेरे कन्न दा टोपस जिहड़ा डिग गया तुसीं पा दो। भैन दस रही कि जो मैं टोपस पाउण लगी उहदे कन्न दे विच तां मैनूं कहिंदी मेरी बेटी कहिंदी मम्मा मैनूं कुछ हो रिहा वा कि मैनूं पता नहीं लगदा पिया। तो भैन कहिंदी कि मैं कहा तू कोई नहीं बैठ मैं तेरे लिए पानी लैके आउणी। कहिंदे जदों पानी लैण वास्ते गई तां मेरी बेटी जिहड़ी मूँह पार डिग गई, जिहदे कारण उहदे दंद वज्जण नाल बुल पाड़ गया और ब्लड निकल आ पिया, और एकदम बेटी जिहड़ी गुमसुम हो गई। भैन दस रही कि मैं उस वेले जिहड़ी घबराउण लग पई, मैं फोन किया खुदा दे दासां नूं प्रे टावर ते, जदों फोन ला के प्रार्थना करवाई तां पास्टर जी ने कहा कि बेटी दे कान नूं फोन लगा दो, कोई नहीं आपां प्रार्थना करदे हां बेटी तुहाडी बिल्कुल ठीक होवेगी। उस वक्त कहिंदे मैं बेटी दे कान नूं फोन लगाया, खुदा दे दासां जी प्रार्थना की, तां बेटी जिहड़े औखे औखे साह लै रही सी उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने बेटी नूं चंगा कर दिता, जिन्हां दे नाल सही सलामत पाउंदे चाहिए आ। हालेलुया। मेरी गवाही यह है कि डिस्पेंसरी विच काम करदे ने जो बच्चों नूं पोलियो वगैरह पिलाउंदे आ। भैन दस रही कि मेरे स्टाफ ने जिहड़ा ऐतवार का दिन रख दिता, और मैं बड़े परेशान हो गई कि प्रभु यीशु मसीह मैं भवन दे विच तेरे जाना वा कि अज जिहड़ी मेरी ड्यूटी भी जिहड़ी ऐतवार की लगा दी आ, पर कहिंदे कि जदों मैं काम ते गई तां प्रभु यीशु मसीह ने एक लेडीज़ इंतजाम किया कि जिहड़ी काम ते आई नहीं सी, पता नहीं वो अपने आप काम ते आ गई, और मैंने स्टाफ वाले कहन लगे कि तू काम करना जां तू जाना। तो भैन कहिंदी कि मैं दसा कि मैं काम ते नहीं रहना, मैं अपने सत्संग दे विच जाना। तां उस वक्त कहिंदे उन्होंने मैनूं भवन दे विच भेज दिता कि तू जा काम कर, यह जिहड़ी दूजी लेडीज़ आ यह तेरी जगह काम कर लवेगी। हालेलुया। और कहिंदे मैं प्रभु दा धन्नवाद करदे कि यीशु मसीह ने जो मेरी रुकावट परेशानी सी रास्ते विच आ रही सी दूर की। सब जन तारीफ करो यीशु मसीह दे नाम दी। पहली वारी आए ने जंडियाले तों, और इन्हां दीपा भैन जी ने जो रईयाल तो इन्हां दी सिस्टर आ, इह दस रहे कि एक महीने तो भैन दस रही सी कि मेरे कपड़िया दे विचों हुण कपड़ा कट्टिया जा रहा सीगा, कि शैतानी चक्कर सीगा घर दे विच, जदों कहिंदे कपड़े मैं अंदर भी रखने पता नहीं कहिंदे कपड़े दे फ्रंट तो कहिंदे इन्ना क टाकी जी लग जानी, और महीने दे विच तीन वारी मेरे नाल इस तरीके नाल होया। फिर कहिंदे कि मैं अपनी भैन दे नाल जदों गल कीती कि मेरे नाल इस तरीके नाल हो रहा कि मेरे कपड़े जिहड़े आ विचों कि कोई कट के लैके जा रहा वा, पता नहीं लगता घर कोई आउंदा नहीं जांदा नहीं। सो भैन दस रही कि तुसीं परेशान ना होवो, असीं अपने खुदा दे दासां तों पास्टर तों प्रार्थना तुहाडे लई करावांगे। और उस वक्त भैन दस रही जो प्रार्थना करवाई खुदा दे दासां ने प्रार्थना की, भैन दस रही अज एक महीना हो गया किसी तरह का कोई सूट नहीं कट्टिया गया, बिल्कुल ठीक ठाक ने घर। हालेलुया।
और भैन मसीह नहीं गए पर विश्वास के नाल इन्होंने जो प्रार्थना रिसीव किया और अज अपनी गवाही देने के लिए जंडियाले गुरु तो इस जगह पर पहुंचे ने। हालेलुया, तारीफ करो करिए यीशु मसीह के नाम के लिए। एडमिशन सी होरी स्कूल के 3 साल हो चुके थे, जो भी एडमिशन करनी कोई ना कोई कहते कि प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी पैसों वालों हर पासों कहते कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती थी। और इस बार कहते खुदा ने 10 साल जो प्रार्थना करवाई तो प्रभु यीशु मसीह की कृपा हुई है और बेटी जी आर्मी स्कूल के एडमिशन मिल चुका वा। हालेलुया, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम के लिए। सब कलीसिया ने कपूरथले तो सब जिदा जानते हैं कि यह 3 महीने हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा बीमार से, इन्हों ब्रेन के अटैक आ रहे थे, घर के काफ़ी ज़्यादा आ चुके थे, जिदे भैन बिल्कुल बोलना बंद कर दिता सगा और मंजे उत्ते इन्हों पै गए थे, हालात जो बढ़ते बहुते जे खराब हो गए थे। और भैन दस रही कि मैं बाथरूम भी जोड़ा मेरा विचे ही हो जाता सगा कि बड़ी मैं तंग सी परेशान सी। मेन गवाही भैन की यह है कि जी इन्हों बेटियां दतिया 3 बेटियां वा इन्हों भैन दियाँ और भैन दस रही कि मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर दिया कि मैंने प्रभु यीशु मसीह ने बेटियां जिहड़ियां बेटियां दे समान दित्तियां और बेटियां ने कहा सिर्फ छुट्टियां दे विच स्कूल का काम छड्ड के अपने सारा स्कूल का काम नहीं किया और मेरे वाल ध्यान रखा। उन्होंने 3 महीने मेरी संभाल की, मेरे कपड़े बदलदियां सीगियां, मैंने नवाउंदियां सी, बिठाउंदियां सी, खलाउंदियां सीगियां और मैं बाथरूम भी विचे कर दिंदी सी, उहदे वास्ते मैनूं सफाई करदियां सीगियां। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करदी हां कि यीशु मसीह ने मैनूं चंगीआं बेटियां दित्तियां जिन्हां ने मेरी देखभाल की और खुदा दे दासां ने प्रार्थनावां कीतियां, दिन रात साडे लई प्रार्थना करदे रहिंदे आ। और अज कहिंदे कि 3 महीनों बाद मैं खुद स्कूटरी चला के प्रभु दे भवन विच आई हां। हालेलुया, नहीं तो भैन चक के लिया लम्मे पा देंगे सके और मंजे उत्ते भैन और अच्छे 3 महीनों बाद प्रभु यीशु मसीह की दया इन्हों उत्ते हुई है। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम के लिए। सब जन पिछले दिनों के पिछले हफ्ते इन्हों बहुत ज़्यादा बुरे सुपने आते थे, इन्हों का ब्लड भी कट चुका और सैल भी कट हो चुके थे। भैन दस रही कि जो मैंने सुपने आने तो मैंने कबर के सुपने आते थे कि 3 कबर जड़ियाँ पट्टिया हुई सगिया और मैं आवाज़ आनी कि तू दस कि कबर लैनी आ। भैन दस रही कि मैं उस एक सुपने के डांटे शैतान ने कि मैं अपने दास के को जाऊँगी और अपनी प्रार्थना करवाऊँगी। और उस तरह कहते शुक्रवार जो नाइट प्रेयर हुई खुदा के दासा ने प्रार्थना की, फुल नाइट कहते असं प्रेयर के रहे और जो कहते हाथ उठा के दुआ करनी शुरू कर दी तो मेरे हाथों के उत्ते गर्म गर्म रोटी जी प्रभु यीशु मसीह ने रखी और उस वक्त कहती मैं समझ गई कि मेरा यीशु मसीह मेरे नाल आ। और शुक्रवार तो कहते अज तक कोई मैंने बुरा सुपना नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह की कृपा मेरे पर हो चुकी है। हालेलुया, तथे जी कपूरथले तो नहीं दस रहे कि 3-4 दिन हो गए आ। पैंदा सी जब मैं प्रार्थना विच बिनी सी तां शैतान बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हो जांदा सीगा और कहते कि मैं प्रार्थना करदी करदी मैनूं नहीं सी पता लगता मैं की बोलदी सी। बाद जब मेरी मम्मी होणा ने मैनूं दसना कि तू बहुत ज्यादा गालां कढ़दी सीगी शैतान नूं, इह पैंदा दस रही कि शैतान मेरे उत्ते अटैक करदा रहा 3-4 दिनों तो। पर जो खुदा दे दासां दे कोलों प्रार्थना करवाई अज पैन दस रही कि मैं बिल्कुल ठीक हाँ और कोई शैतान परेशान नहीं कर रहा। हालेलुया, तारीफ करो यीशु मसीह दे नाम दे लई। सब जन सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। पास्टर जी ने मेरी गवाही यह है कि मेरा बेटा 1 साल तो मैं बड़ा परेशान करता सी कि मेरा कहना नहीं सी मानता बिल्कुल भी, पर मैं किसी नूं दसदी नहीं सी क्योंकि मैं खुद मसीह विच जब मैं किसी नूं दसदी तो वह मेरे ते हसदे भी दया जी ते वह मसीह विच तेरा बेटा इदां तेरा परेशान करता। पर मैं की किया अपने मसीह में पुकारना स्टार्ट किया। फिर जो असं इतने दबूजी चर्च में आना स्टार्ट किया पास्टर जी की जी दी हुई शिक्षा आ उन्हें बेटे बेटे का ऐसा मन बदल दिता कि अज वो साढ़े नालों वध दुआ करता। असं नहीं भी आना चाहते नाइट प्रेयर से, कई बार होंगे कि साढ़े मतलब मेरे हसबैंड छुट्टी नहीं मिलती तो मेरा बेटा जिद करता मैं कल में भेज दो, ऐतकी वो कल्ला ही आ गया इस जगह पर। तो मेरी एक अगवाई हो रही है कि मैं 2 साल हो गए मसीह में आई हूँ। मैं पहला बड़ी बीमार रही होंगी सी कि 4 दिन डॉक्टर दे ते 3 दिन घरे, तो हूँ मैं अज 2 साल हो गए मैं एक बार भी डॉक्टर दे नहीं गई, मेरे मसीह ने मेरे ते ऐसी कृपा की। तो मेरी चौथी गवाही यह आ कि मैं ना वचन पढ़ना थोड़े दिनों तो बंद करता सी, तो मैं 3-4 दिन पहला पास्टर जी सुपने में मिले, उन्होंने मैंने कहा भैन जी तू अगे वधना चाहनी है तो वचन पढ़, फिर मैं उस तो बाद वचन पढ़ना स्टार्ट करता। चौथी गवाही मेरी यह आ कि मैं कल अपने मतलब अपने मन च सोचा कि उत्थे प्रभु भोज आ, मैं प्रभु भोज सेवा करना चाहनी हाँ, तो मैं अज अपने आप ही मैंने सेवा मिल गई, मैं किसी ने कहा नहीं जां मंगी नहीं, मैंने प्रभु ने अपने आप ही सेवा से ला दिता। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर जी का, मैं धन्यवाद करती हाँ कि मैं उधार तो पाया सी यीशु मसीह के नाम च 32वां तो लिया सी, पर उधार नूं संभाल के किदां रखना मैं पास्टर जी ने सिखाया। मैं पास्टर जी शिक्षा ने ऐसा बदलिया कि मैं अपनी हर बुराई तो अपने मन नूं मोल्ड कर लिया कि मैं किसी बुराई वाल नहीं चलना। जे मेरे उधार मैनू फ्री च मिलिया आ तो मैं उन्होंने संभाल के रखना एन समय तक जो तक मेरा लास्ट सांह इस धरती पर आ, मैं यीशु मसीह के वचन चलना चाहनी हाँ। परमेश्वर मेरे से वड्डी कृपा कर यीशु मसीह जी के सामर्थी नाम च, आमीन। सिस्टर जी कपूरथले तो आई ने दस रहे कि जो मैं भवन में आने तो पहला शैतान मेरे ते काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा है और मेरे गले में भी उन्हें जकड़िया होया। भवन आने तो पहला कहते कि मैंने इन्ना गुस्सा शैतान ने लिया कि मैं अपने घर बच्चों के नाल लड़ के आता
और कचीजियां लैके कहिंदे कि मैं लड़दी सी अपने बच्चों नाल जदों भवन दे विच भी आई तो खुदा दे दासां ने जो प्रार्थना करनी शुरू की आराधना चलती पई सी जो मास प्रेयर की तो इस जगह पर भी शैतान मेरे विचों दी निकल रहा है और मैं दंद घड़ीस के कचीजियां वट के जी इस जगह उत्ते कहिंदे कि खेड़ रही सी और जो खुदा दे दासां ने मेरे उत्ते अनॉइंटिंग वाटर पाया प्रार्थना की उस वक्त कहिंदे कि सारा शैतान मेरी जिंदगी में छड़ के चला गया। हालेलुया। इस टाइम भैन बोचले तेने दस रहे कि एक हफ्ता हो गया कि काफ़ी ज्यादा चक्कर आ रहे थे प्रार्थना करवाई और डॉक्टर को दवाई भी लैके आँदी उन्होंने कहा कि आराम करना पर भैन दस रही कि मैं अज भवन वास्ते जो तैयार हुई घर तैयार हो रहे थे उस समय मैंने चक्कर आ रहे थे और जो भवन में आके बैठी तो प्रभु यीशु मसीह के दासां ने जो मेरे उत्ते प्रार्थना की और सारे चक्कर जो छड़ के जा चुके हैं बिल्कुल माता जी ठीक ने। हालेलुया। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम के लिए। मेरी जिंदगी बहुत परेशानियां आई बहुत परेशान सी मैं अपनी जिंदगी तो एक साल हो गया मैं मसीह ना जुड़िया जब मैं मसीह वाले पासे लगी मेरे परमात्मा ने इन्नी सुनी है कि मैंने खुशियां खुशियां दीतियां दुख कभी आने ही नहीं दिता। मैं उस परमात्मा का धन्यवाद करती हाँ कि भाई जिन्होंने सानू चुनिया मैं इन्हों के सिस्टर के द्वारा इतने आई हाँ इन्होंने सानू कलीसिया ना जोड़िया मैं इन्हों का भी धन्यवाद करती हाँ सानू चंगे पासे लाया भले पासे लाया हुण जिंदगी इदा लगती परमात्मा वल जाके जिदा स्वर्ग हो गई है। मैं उस परमात्मा ना बहुत प्यार करती हूँ मैनू पहला लगता नहीं हुण मैं जदों मसीह च लगी हाँ मेरी जिंदगी वाकई स्वर्ग हो गई है। मैं धन्यवाद करती इन्हों का परमात्मा का धन्यवाद हो परमेश्वर। सिस्टर जी ने यह दस रहे कि इन्होंने बेटे के एग्जाम हुए थे प्लस टू के जो खुदा के दस को प्रार्थना करवाई कि असं कहते यही कहते थे कि बेटा पास ही हो जाए कि तुम खुदा के दसों ने कहा कि प्रार्थना करो और जो खुदा के दसों ने प्रार्थना की तो बेटा बहुत वधिया नंबर के नाल जो प्लस टू के पास हो चुका वा। हालेलुया। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम की। सब जन ये साढ़े भाई साहब शोक भट्टी ने जम्मू तो यह दस रहे कि अज तो पिछले शुक्रवार जो भवन में आ रहे थे तो यह कहें कि मैंने शुगर बारे पता लगा कि मैंने शुगर आ और शुगर कहते जो मैं होगी तो मेरे निशान जोड़े दिखने शुरू हो गए एक इन्हें फिर से नहीं हुई अभी देख सकते हो ये शुगर की निशानी आ जो जख्म कहते मेरे उत्ते हो तो मैं खुदा के दासा ने भी नहीं दसिया मैं शुक्रवार नाइट पेयर के आया और खुदा के दासा तो जो प्रार्थना कराई और अनोइंटिंग तेल लगया और कहते कि प्रभु जसम सिंह ने जख्म जो सुखा दिता और बिल्कुल भाई साहब ठीक ने। हालेलुया। और अज की गवाही दस रही कि जो असं आ रहे थे भवन वालों तो रास्ते बहुत ज़्यादा पानी खड़ा सगा और गड्डी जी टायर बिल्कुल पानी के डुबे पे थे और गड्डी मतलब सानू डर सीगा कि गड्डी खराब ना हो जाए पर कहते असी प्रभु यीशु मसीह का नाम जपते रहे दुआ करते रहे और प्रभु यीशु मसीह सही सलाम सानू भवन में लैके आए। हालेलुया। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम लिए। सब जन तो पापा जी ने शेखुपुर तो दस रहे कि छाती में गिल्टी सी और कहते जो मैं नपना तो बहुत ज़्यादा दर्द होंगी सी और काफ़ी ज़्यादा कहते मैं दवाइया खादिया मतलब कोई आराम नहीं आया खुदा ने दस को प्रार्थना करवाई मसा किया हुआ तेल के मंत पापू जी दस दिन मैं लगा रहा और अज गिल्टी जी गायब हो चुकी है और जो कहते मैं नापा लगा तो कोई गिल्टी नहीं नजर आ रही। हालेलुया। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सब जन कहते हैं तकरीबन सारे जानते ही आ कि काफ़ी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के नाम दस रहे काफ़ी लोगों को प्रभु के भवन में लैके आ रहे हैं ये रात ही इस जगह के उत्ते पहुंचे हुए हैं संगत लैके और भैन दस रहे कि पिछले दिनों में शैतान ने इन्ना ज़्यादा घर के काम किया और मेरी और कहते दस रहे कि मेरे हसबेंड की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई जिदे कारण मेरा घर वाले मैंने कह रहा है कि मैं तलवार के नाल तेन वाढ़ी देना भैन दस रही कि मैं भी उन्हें कहा कि कोई नहीं तू मैं मार दे जो भी तेरा दिल करता कर ला पर कहते कि मन बहुत ज़्यादा परेशान से एक हफ्ता पूरा शैतान ने परेशान किया और राति भी जो भवन में आए तो भैन दस रही कि कोई मन नहीं लग रहा प्रार्थना में भी मन नहीं लग रहा और बड़े परेशान से और जो अच्छ खुदारे दासा ने जो प्रार्थना की जो भी शैतान मेरी जिंदगी काम कर रहा है और इस जगह के उत्ते जो भैन खेड रहे थे और शैतान इन्हों की जिंदगी छड़ के जा चुका और भैन दस रही कि मैं बिल्कुल हूँ ठीक हाँ। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह का काम असं करते हैं तो शैतान भी जिंदगी बहुत ज़्यादा काम करता वा सो इस तरह भैन हम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को वचन घर घर में लैके जाते हैं और उन्ना ज़्यादा शैतान इन्हों परेशान करता पर यह दस रहे कि सानू विश्वास आ कि जिन्ना चेर प्रभु यीशु मसीह साडे नाल आ खुदा दी दासां दीआं प्रार्थनावां साडे नाल आ तां शैतान सानू कुछ नहीं कर सकदा। हालेलुया। तारीफ करो सब जन यीशु मसीह दे नाम दे लई। सारिआं नूं जय मसीह दी पास्टर जी नूं जय मसीह दी पास्टर जी सारी फैमिली नूं मेरे वल्लों जय मसीह दी प्रभु यीशु मसीह ने अज तक संभाल के रखिआ जिंदा रखिआ बड़ियां बरकतां दित्तियां अजीब ते चंभे काम कीते जो काम नहीं हो सकदा वो वी करके दिखाए मेरे परमेश्वर ने अज तक संभालिआ फर्श तो चक के अर्श से बिठाया मेरे प्रभु यीशु मसीह ने यह हर बारी मैं कहना क्योंकि बिठाया इस करके कहना बहुत बरकतां दित्तियां भी कहना ही कहना सब कुछ तुहानू मेरी गवाही नवे लोगों ने नहीं सुनी पिछले सारे ने सुनी आ मेरे बेटे ने चोट लग गई सी कितों आराम नहीं आया सी दस हफ्ते धक्के खाधे सी ग्यारहवां हफ्ता प्रभु यीशु मसीह का सी डॉक्टर सीगे पास्टर शिमोन जी जिन्होंने दवावां दे नाल सहमति दे नाल
हर तरह ना साड़ी मदद करके दवावा ना सानू ठीक किया। मैं इन्हों का बहुत थैंक्स करती हाँ, प्रभु यीशु मसीह का भी मैं धन्यवाद करती हाँ। पिछले दिनों में ना मैनू 3-4 तकलीफा कट्ठिया हो गई, कमर दर्द, तो मैं बस चो उतरन लगी तो उन्हें एकदम ब्रेक मारी बस वाले ने, तो डंडा ना मेरे इतने आके बजा। मैं कहा बस हूँ मैं गई, इन तकलीफा नहीं मैं सह सकती। प्रभु जी तुम मैंने इन्ना याद रखते कि तकलीफा ही तकलीफा, तो प्रभु जी नहीं मैं ठीक करो, मैं नौकरी का थोड़ा टाइम रह गया, जो हमने मैं छुट्टी ला ली तो उन्हें कहना काम नहीं कर सकती, अगों इन की रखना सी। तो मैं प्रभु यीशु मसीह अगर दुआ की, पाशा जी ने मेरे वास्ते दुआ की, मेरे बेटे ने दुआ करवाई इन्हों को, तो जो मेरा गला ना हूँ मैं बोलती कि नहीं उची उची, ये बिल्कुल इशारे ना गल कर दी सी, मैं बोलिया नहीं जा रहा, मैंने पता नहीं की होया, 3-4 तकलीफा कट्ठिया आ गई, बर्दाश्त नहीं होंदिया। प्रभु यीशु मसीह ने आ दर्द बिल्कुल ही आराम कर दिता, बिल्कुल ही, जोड़ा मैं लगता से स्कैन करानी पैनी, दवाइया लैनिया पैनिया, बड़े पैसे खर्च होने मेरे, ये भी आराम आ गया, लक भी ठीक है हूँ मेरा, चलती भी सीधी हाँ, दौड़ दौड़ के काम भी करती हाँ, स्कूल भी घर भी। प्रभु यीशु मसीह का बहुत थैंक्स करती, धन्यवाद करती हाँ। मेरे बेटे पोते दे सट लग गई सी, तो सोचा सी पता नहीं ज़्यादा ना लग गई, डॉक्टर कहता टांके लगने, स्टिची लगने, मैं नहीं कुछ नहीं होना, वही टांके टूके नहीं लगने, नहीं ठीक हो जाना। बेटे ने भी नहीं दसिया सट लगी है, लै गई दौड़ गई फटाफट बच्चे को डॉक्टर ने, उन्हें बस दवाई लगाई है, तो 2 दिन बाद आराम आ गया, 2 टैबलेट दित्तियां, उन्हें खाधिया भी नहीं पूरी तरह, बट बेटा बिल्कुल ठीक है। बाकी मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करी, इदा ही संभाल के रखे,